से मैं सीमा धाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आंवले का अचार बताने जा रही हूँ। हम सबके घरों में केरी का जो अचार होता है वो बचा हुआ होता है और कई बार एक्स्ट्रा मसाला भी होता है इसमें, तो हम केरी के अचार को भी यूज में लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे धो के और इसके जो छोटे छोटे डंठल है ये हटा लेंगे और इन्हें हम उबालने चढ़ा देंगे। मैंने आंवले उबालने चढ़ा दिए हैं। हम इन्हें इतना नरम करेंगे कि ये अच्छे से इसके बीज हट जाएं। ये 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये जो हमारी आंवले की जो कलियां हैं ये अच्छे से खिल गई है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम गैस बंद कर देंगे और पानी छलनी में छान के अलग कर लेंगे और इनकी गुठलियां हटा देंगे। ये मैंने आंवले अच्छे से बॉईल कर लिए हैं और ये 1 चम्मच राई और हींग ली है, नमक लिया है और जो अचार है केरी का वो और मसाला लिया है। आप चाहें तो इसमें लेसवे का, केर का, कोई सा भी अचार लेके आप ये आंवले का अचार बना सकते हैं। मैंने इधर ये तेल चढ़ा दिया है और जो ये तेल है ये भी अचार का ही तेल है, मैंने इस अचार के तेल को ही यूज में लिया है। ये गर्म हो गया है और अब हम इसमें ये राई और हींग डाल देंगे। ये गर्म हो गया और अब हम गैस को कम कर देंगे और ये आंवला डाल देंगे। इसे हम थोड़ी देर इस तरह ही चलाएंगे ताकि अगर कोई पानी रह गया हो इसमें तो वो खत्म हो जाए। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे। आंवले में बहुत आयरन होता है, विटामिन सी होता है और ये इस तरह से खाया नहीं जाता है, लेकिन अगर हम इसे टेस्टी अचार बना लें तो ये खाने में भी आ जाएगा। और अब हम गैस बंद कर देंगे और जो ये केरी है इसको हम जरूरत के हिसाब से इसमें डाल देंगे और इसका जो तेल है हम ये भी डाल देंगे, मसाला डाल देंगे इसके अंदर और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये केरी डालने से जो आंवले में कड़वाहट होती है वो भी कम हो जाती है और ये तैयार है। इसे हम ठंडा होने पे मर्तबान में डाल के भर के रख लेंगे और अब हम इसे सर्व करते हैं। ये आंवला और केरी का अचार बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धाबाई, धन्यवाद।